अंतकाल जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सुअर जो नल वल अवतरे। त्रिलोचन भगत जी कहते हैं बच्चे का बच्चों का चिंता करते करते मरा तो सुअर होगा। देखिए मैं नहीं कह रही, मैं बहुत अच्छी अच्छी बात मैं नहीं कह रही, त्रिलोचन जी ने कहा, उन्होंने लिखा, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। क्योंकि भगवान ने बोला ना, जिसका स्मरण करेगा वो उसी के भाव को प्राप्त होगा। आज त्रिलोचन जी अंत में कहते हैं, बद्धत त्रिलोचन ते नर मुक्ता अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके ही ये बसे। अब शरीर छूट रहा है और ध्यान प्रभु का है तो बोले अब इसका क्या होगा, बोले कुछ नहीं, प्रियतम आप उसके हृदय में बैठा है, वो प्रियतम को ही तो प्राप्त होगा, नारायण को ही तो प्राप्त होगा, और किसको होगा। ये बात बड़ी खतरनाक है, जब लोग ये सुनते हैं ना तो कहते हैं हाँ जी जवानी में तो भोगेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएं, जब मरने वाले होंगे तो सुमिरन कर लेंगे। अब आपको एक बात कह दूं, मन की आदत बड़ी बुरी है, जो पड़ जाए ना बस पड़ जाती है। जैसे यहाँ आप कई लोग हैं जिन्हें शाम को 4 बजे चाय पीने की आदत है, है? तो 4 बजे चाय न मिले तो सर दुखने लग जाता। सर क्यों दुख रहा है, बोले चाय नहीं मिली। भाई चाय का सर दर्द से क्या लेना देना, कहते नहीं चाय पीते ही ठीक हो जाते हैं। तो सिर दुख रहा है क्यों, तो चाय नहीं पी, आदत हो गई शरीर को वो निकोटीन लेने की, तो 4 बजे न मिले तो सिर दुखता है। माने आदत छूटती नहीं है, नहीं छूटती आदत। तो जब आदत पड़ गई मन को संसार का स्मरण करते रहने की, तो तुम मतलब कौन सा ऑटोमेटिक कोई बटन ऐसा घुमाओगे कि मरते समय अचानक भगवान याद आने लग जाएंगे। कोई मिरेकल है, कोई बटन है तुम्हारे पास, कोई मैजिक कर सकते हो तुम? ऐसा तो कोई बटन है नहीं तुम्हारे पास। दूसरी बात, आप ये भी तो नहीं जानते हैं कि कब मरेंगे, जानते हो क्या? लोग पंडित जी के जाते, ज्योतिषी के जाते तो पूछते हैं कि बताइए हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारा मकान कब बनेगा, हमारा ये कोई नहीं पूछता हम मरेंगे कब, पूछता है कोई? तुमने पूछा कभी? ये तो कोई पूछता नहीं, सब ऐसा सोच के बैठे हैं दुनिया मरेगी हम थोड़े ना। अभी आश्रम में जब इस साल का यूथ कैंप था तो मैंने पंजाब से जो गिद्दा और मलवई भांगड़ा ये करने के लिए स्कूल के बच्चे थे उनको बुलवाया, बच्चों का ही शिविर था तो बच्चों को बुलवाया हमने। तो मुझे स्मरण आ रही है उस बच्चे ने एक बोली कहते हैं उसको, बोली बोलते हैं फिर वो नाचते हैं, तो वो बोली थी, वो बच्चा छोटा सा कहता है कि मैं कितनी बोलियां डालूं, मतलब कुछ बोल बोला और फिर नाचते हैं, फिर बोली फिर नाचते हैं, ऐसा चलता रहता है क्रम। तो कह रहे हैं मैं इतनी बोलियां बोलूं कि मैं थकता नहीं हूं, तो बोलियां बोल बोल के मैं नाच नाच के तो मैं तो फंस गया हूं, चलो अब कुछ एक काम करें, किसी को मारे और उसका भोग डालते हैं, अब चलो भोग किसे दा पाइए, अब कोई मर जाए तो अच्छा है ताकि हम बैठ के थोड़ा शोक मनाएं किसी का, क्योंकि हम नाच 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 के ही दुखी। वो बोली बोले और नाचे, तो वो बच्चा छोटा सा था, 12 साल का है वो बच्चा, 11 जिसने ये कहा कि अब तो कोई बुढ़ा मरे हमारे गांव में तो हम बैठ के उसका शोक मनाएं, क्योंकि अब तो नाच नाच के भी हम दुखी हो गए ना, वी नीड अ चेंज। कोई नहीं पूछता हम मरेंगे कब, सरकार भी कहती है 10 साल की FD करा लो, 20 साल की करा लो, हाँ आप कराते हो म्यूचुअल फंड फॉर 20 ईयर्स,
बिना ये जाने कि कब तलक जिएंगे। तो प्लानिंग तो सबकी ऐसी है जैसे जाना कभी नहीं है। तो हमें ये भी नहीं मालूम कि ये शरीर जाएगा कब, कि एटलीस्ट हम तैयारी कर लें। देखो आप जब शादी रचते हो तो तुम्हें पता होता है कि जी 10 नवंबर की शादी है, इस बैंक्वेट हॉल में शादी है, इस मंदिर में शादी है, इतने बजे आएगी बारात, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, सब तैयारी, केटरर बुक, टेंट वाला बुक, सब बुक डन। अभी यही नहीं पता मरना कब है तो बुकिंग क्या करोगे ना। तो बुकिंग मतलब मन की बुकिंग, हम किसका स्मरण करते हुए मर जाएंगे मालूम है क्या? बेटे का, बाप का, पत्नी का, भाई का, घर का, बाहर का, रिश्तेदार का, पता नहीं किसका किसका ख्याल हमारे मन में चलता रहता है और मालूम नहीं आश्वास की डोरी कहां टूट जाए। इसलिए भगवान ये बात कहते हैं। अब ये उससे रिलेटेड अगला श्लोक आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पीछे बोलोगे हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यच मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् मामेव वैश्यस्य संशयम् मामेव वैश्यस्य संशयम्। भगवान कहते हैं इसलिए सर्व काल में, सर्वेषु कालेषु, सर्व काल में, सर्व काल मतलब सिर्फ सुबह 6 से 6:30 बजे बस तब सुमिरन करना, बाकी टाइम नहीं, बाकी टाइम दुनिया का स्मरण करना ना। वो कह रहे सर्व कालेषु, सर्व काल में, तस्मात इसलिए, सर्वेषु सर्वस्थान में, कालेषु सर्व काल में, मामनुस्मर मेरी याद बना के रखना। और ये किसको कह रहे हैं? जो युद्ध में खड़ा है, युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि तू भले युद्ध में खड़ा है, डिफिकल्ट टाइम, यू आर अबाउट टू फाइट विद योर ओन फैमिली मेंबर, बट रिमेंबर मी। कई बार लोग कहते जी आजकल ना थोड़ा घर में हालात अच्छे नहीं चल रहे ना, इसलिए सुमिरन नहीं हो रहा। अरे पागल, जब हालात अच्छे ना हो तभी तो करना चाहिए। भूख लगे पे खाओ, प्यास लगे पे पानी पियो। आपको भूख लगे पे तो खाते नहीं हम, क्योंकि भूख लग गई है, तर्क हुआ कुछ ही। प्यास लगे पर पानी पियो, तुमको प्यास तो बड़ी लगी पर पानी नहीं पिएंगे क्योंकि प्यास लगी है, लॉजिक नहीं बनता है। जब हालात खराब हो, जब सब गड़बड़ हो, यही तो वक्त है कि स्मरण करना चाहिए। यही वक्त है। तो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। युद्ध खाली अर्जुन ही नहीं कर रहा, हमारा जीवन भी तो एक युद्ध होता है। कुछ चाहते हैं वो होता नहीं, जो दूसरे हमसे चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, फिर शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो लड़ना भिड़ना तो सबको ही पड़ता है। तो लड़ते भिड़ते हुए में सुमिरन करते रहो, करते रहो। मैं अर्पित, हमेशा अपना मन और बुद्धि मेरे अर्पित करके रहे। कब? हमेशा। मन और बुद्धि ईश्वर के अर्पित करने का अर्थ क्या है? साधारण भाषा में मैं कहती हूं, देखो हम जब जीवन में कोई भी काम करते हैं तो ये बड़ी चिंता होती है, ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा। अच्छा पढ़ाई हो गई तो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब मिल गई तो मर्जी की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बड़े प्रश्न होते हैं जीवन में। भगवान कह रहे हैं मेरे अर्पित अपना मन और बुद्धि रख, मतलब मन आपका है और ये बुद्धि आपकी है, तो आपके अनुसार ये मेरा मन और बुद्धि चलता रहे। तो जब मन आपका, शरीर आपका, बुद्धि आपकी, सर्व आपका, मैं आपका, तो फिर ये हो तो भी कोई बात नहीं,
और वो हो तो भी कोई बात नहीं। हमेशा हम सफल हों ये जरूरी तो नहीं, कभी कभी असफलता भी बहुत अच्छी होती। ये जरूरी नहीं हर बार सफल हो। असफल हो तो हाँ भगवान हम पे बड़े खुश हैं, हमारे सारे काम ठीक हो गए। अरे भाई जब काम ठीक नहीं हो तो माने भगवान तुमसे नाराज हैं क्या? मैं अर्पित मनोर बुद्धि, मेरे अर्पित मन बुद्धि को रख, अर्थात जब मन बुद्धि उसका, शरीर उसका, जीवन उसका, संसार उसका, तो मेरी इच्छा का क्या मोल है फिर वहां पर? तो जो तेरी इच्छा है वही होवे। वैसे भी कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार कर्म करने पे, रिजल्ट क्या होगा इसकी हम चिंता कैसे कर सकते हैं? रिजल्ट्स आर नेवर इन आवर हैंड, नेवर। कभी कभी फेवरेबल चीजें हो जाती हैं, कभी कभी नहीं भी होती। अब हमारा मन अगर स्मरण में है, माने सुमिरन में है, तो हमारे मन में एक तृप्ति है, हमारे मन में एक खुशी है, हमारे मन में एक संतोष है, हमारे मन में आनंद है। और जब मेरे मन में आनंद है और मैं संतुष्ट हूँ, आत्मनिष्ठ हूँ, तो बाहर के चीजें फिर मुझे परेशान नहीं कर सकती। हम परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी परेशान होते हैं। कोई आपको परेशान करता नहीं, हम परेशान हैं इसलिए दूसरे थोड़ा सा आके ना, वो जो आग अंदर लगी है ना, वो थोड़ी सी लकड़ी यूं हिला जाते तो वो चिंगारी और आ जाती। अगर आग नहीं हुए अंगीठी में तो आप कितना भी हिला लो उसमें अंगारे कहां से निकलेंगे? परेशान हम पहले से ही होते हैं। अब इस परेशानी में जब बाहर की कोई चीज हमारे विपरीत हो जाती है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो हमारी तकलीफ डबल हो जाती। भगवान स्मरण रहेगा सर्व काल में, सर्व समय में अगर ईश्वर का स्मरण रहेगा तो क्या होगा? मन शांत रहता है। सो बी इन रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड ऑल द टाइम्स। जैसे सुबह उठे तो पहला ख्याल क्या होता है? एक ने कहा जी पहला ख्याल मुझे तो यही आता है कि आज पेट साफ होगा कि नहीं, या काम का ख्याल होता है। पर होना क्या चाहिए? जैसे ही नींद खुले तो पहला स्मरण, प्रभु आपकी कृपा से मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, अभी आपकी कृपा है, एक नया दिन देखने को मिलेगा, तेरी ये सुंदर दुनिया देखने को मिलेगी, प्रभु आपका धन्यवाद है। तो आंख अभी भले खुली ना हो, नींद खुल जावे तो दोनों हाथ जोड़ करके उस अनंत को, सच्चिदानंद को प्रणाम करो, प्रभु आपको प्रणाम, ये जीवन आपका है, आज का ये मेरा दिन आपकी याद से शुभारंभ होता है। स्नान करो, स्नान करो। तो अच्छा एक सुझाव, क्योंकि यहाँ शिमला में बाहर से भी काफी लोग आए हैं तो सुबह पानी ठंडा लगता होगा, ये तो बड़ा ठंडा पानी है, तो गर्म पानी ढूंढते हैं लोग। पर सच ये है, अगर आप एकदम हिम्मत ना पड़े तो पहले गुनगुने पानी से नहा लो, पर आखिर का जो स्नान है वो ठंडे जल का होना चाहिए, एकदम ठंडे जल का। सच बात तो ये है, जैसे ही रीढ़ की हड्डी पे वो ठंडा पानी पड़ेगा तो भगवान ही याद आएंगे, और कोई आ ही नहीं सकता। तो ये जो आके यहां पहाड़ के पानी में स्नान करने का अवसर मिल रहा है ना, इसका पूरा लाभ उठाइएगा, एंड इट्स अमेजिंग। जब आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है। जो मैंने शरीर की चयापचय जो प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलती, दूसरा आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती।
विशेषकर अब मैं ये नहीं कह रही खाली मुंह धो लेना, पैर धो लेना, हाथ धो ले, इतने से कुछ रीढ़ की हड्डी पे पड़ना चाहिए पानी। बच्चे होते हैं ना, बाथरूम बंद करके मग से पानी गिराते रहेंगे, मम्मी ना आ रहा हूं, ठंडा हो ना पानी, तो नीचे करके थोड़ा मुंह ऐसे गीला करके बाल गीले करके मुर्गा बन के आ जाता, देखो नहा आया हूं मैं। नहाया नहीं होता, पर माएं बड़ी होशियार होती, वो पीठ पे हाथ फेरती, बेटे चल अंदर। स्नान तब होता है जब रीढ़ पे पीठ पे आपके जलाना चाहिए। तो स्नान करे स्मरण करते हुए, and any your simple bathing can be converted into meditation, and that is when you pour water on your body, feel the water trickling down on your back, on your body, on your arms, on your head. जब वो पानी की बूंदें आपके जिस्म पर सरकती हुई नीचे गिरती हैं, उस बूंद के सरकने को, उस पानी के सरकने को महसूस करिएगा, with the awareness towards the water flowing on your body. बड़ा आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा ध्यान लग जाएगा। घर वाले सोचेंगे भी ना के बाहर क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं पता अंदर ध्यान लग गया। मन की एकाग्रता बड़ी सुंदर हो जाती है जब जल का शरीर से स्पर्श होए, और अगर जल शीतल है, जल ठंडा है, तो वो जो ठंडा स्पर्श आएगा, ये आपके मन को यहाँ वहाँ जो भागता है, जो सोचता है, जो दौड़ता है, वो दौड़ना रुक जाएगा। हाँ, पर यह है, अगर आपको आर्थराइटिस है तब मत करिएगा ठंडे पानी से स्नान। आर्थराइटिस वालों के लिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस वालों के लिए ठंडा जल का स्नान अच्छा नहीं है, वो तो गर्म पानी ही उनके लिए अच्छा है। पर उससे अच्छा ये होगा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस वाला शरीर को जो एसिडिक हो गया है उसे अल्कलाइन कर ले, आहार व्यवहार ठीक करे, आयुर्वेद का दवा करे, और सुबह में आसन करे, तो हम आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते, माने शरीर को आर्थराइटिस फ्री कर सकते। ये जो जिसे आप जोड़ें की दर्द बोलते हैं ना, जोड़ दर्द होते आर्थराइटिस, दैट कैन बी रिवर्स्ड बैक। आहार ठीक करने की आवश्यकता है, आयुर्वेद साथ में चले। तो आर्थराइटिस वाले ठंडे पानी का स्नान ना करें तो बाद में कहोगे लो जी मार दिया इन्होंने कह के, नहा लो हम भी नहा लिए, और अब हम देखिए मैं जो चीजें बोलती हूँ ना वो स्वस्थ लोगों के लिए, जिनके मैंने दिल जिगर गुर्दे ठीक नहीं चल रहे ना, तो उनको मैं कहती हूँ भाई जाके ना पहले इलाज कर लो, शरीर ठीक कर लो। ये सारे कार्यक्रम जो हमारी साधना वाले हैं, ये सब स्वस्थ के लिए करता रहेगा तो बीमार होगा नहीं। तो शरीर पर जब आप जल डालें तो उस समय स्मरण करें, ऐसे ही जब आप वस्त्र डालें तो उस समय प्रभाव करें, ये शरीर प्रभु मेरा नहीं तेरा बनाया मूर्ति है, तेरे इस मूर्ति का हम सेवा कर रहे हैं, ये मेरा शरीर है ही नहीं। कोई पेपर है आपके पास जिस पे लिखा है दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू, यू आर द सोल ओनर एंड द प्रोपराइटर ऑफ दिस बॉडी? नो, यू डोंट हैव सच पेपर। शरीर मिला है, धोखे से मिल गया है, धोखे से निकल जाता है, गया कब पता नहीं चलता। ऐसे भोजन करने लगे तो भोजन करते समय पहले स्मरण करें। देखिए ये ऐसी चीज मैं कह रही हूं जिसके ऊपर कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। जापान में एक साइंटिस्ट ने पानी के ऊपर शोध किया, साधारण पानी का फोटो खींचा, और फिर उसने एक पानी का जैसे गिलास है या बोल है उसे हाथ में रखा, और उस पानी को देखते हुए उन्होंने ताई ची मेडिटेशन क्यों किया। ताई ची कर रहे हैं, ताई ची मैंने एक तरह से प्राणायाम ही है, धारणा के संग प्राणायाम ताई ची। तो वो उस जल को अपने हाथ में 10-1 मिनट रखा, शुभ भावना प्राणायाम ताई ची करके फिर उस फोटो को पानी का, फिर उस का फोटो लिया। अब जब हम ए बी कंपेयर किया, वो जो साधारण पानी है और वो जिस पे उसने ध्यान किया है, तो ये आया कि साधारण पानी का जो पिक्चर है उस ड्रॉप का, उस पानी की बूंद का, तो एक कटा फटा सा घेरा था, पर जिस पे उसने ध्यान किया था उस पानी के अराउंड एक सुनहरी चक्र बन गया था।
और उसमें से गोल्डन लाइट्स जैसे बाहर आ रही हूँ। फिर उन्होंने कुछ एक बौद्ध भिक्षु को अपनी लेबोरेटरी में बुला, उन्हें कहा कि आप इस पानी को हाथ में लीजिए क्योंकि आपका ध्यान और बेहतर है, और फिर उस पानी के उन्होंने फोटो खींचे। तो जिसका ध्यान एकाग्रता जितनी अधिक अच्छी, उस ऊर्जा का गहरा और बड़ा, और उस वाटर में इतने सुंदर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे थे। सार क्या? सार ये है कि जब आप अपने जल को जो पीते हैं अगर दुर्भावना के साथ, माने गंदे विचार के साथ, गंदी भावनाओं के साथ आप पानी पीते हैं, वो पानी इज नॉट ओनली डेड, इट इज एक्चुअली नेगेटिव। पर जब आप जल को पॉजिटिविटी के साथ देखते हुए, विधायक मन के साथ देखते हुए, मंत्र जप करते हुए, ध्यान करते हुए जब वो जल पीते हैं, तो वो जल भी साधारण नहीं रह जाता है, उस जल में भी एक शक्ति आ जाती है। ये उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे जो क्रिमिनल है, अपराधी हैं, उन्हें कहा कि पानी आप अपने हाथ में पकड़ो, और 5 मिनट बाद उस पानी का फोटो लिया। और ये बड़े क्रोधी हैं, कातिल हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, आर्सनिस्ट हैं, डकैत्स हैं, टेररिस्ट हैं, ऐसे लोगों को पानी दिया, फिर वो फोटो उन्होंने निकाला। अगेन उसमें कहीं काला सा घेरा है और उस पानी में कोई पैटर्न नहीं है, एक भद्दी शक्ल बन के आती। अगर आप गूगल करेंगे तो इंटरनेट पे आपको इस जापानी साइंटिस्ट के द्वारा खींचे गए फोटो का एक पूरा जो है वेबसाइट बना हुआ है। अर्थात जब हम भोजन ईश्वर स्मरण करते हुए खाते हैं तो ये भोजन भी दिव्य हो जाता है। एक अपनी बात सुनाती हूँ। हमारे एक घर में संत आते थे, तो जब भी वो बैठे खाने के लिए तो वो ऐसे आँख बंद कर लेते थे कुछ देर। आप उन्हें पानी पीने को दे दो तो गिलास ऐसे पकड़े ना, तो ऐसे पानी में देखते रहते थे, फिर पीते। दूध दे दो तो भी उसमें देखते, फिर पीते थे। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा आप के पानी को क्यों देखते हो, कोई कीड़ा मक्खी गिर गई? कह रहे नहीं, ना कीड़ा मक्खी की मुझे चिंता नहीं है, तुम पानी ढक के लाए हो तो मक्खी कैसे आएगी उसमें, मैं फिर आप देखते क्यों हो? तो ये उन्होंने अपना सीक्रेट मुझे बताया था। कहते हम पानी को शुद्ध करते हैं। मैं वो कैसे? कहते वो ऐसे, जब हम अपने नेत्रों से उस जल में देखते हैं तब हम मन ही मन अपने गुरु का दिया मंत्र करते हैं। कुछ देर मंत्र करने के बाद जल में देखते हैं और संकल्प करते हैं कि ये जल मेरे शरीर में जाके मेरे मन को पवित्र करे, मेरे शरीर को रोग मुक्त करे। ऐसे ही भोजन है। अब देखिए, ग्रस्ती आदमी है, कभी रिश्वतखोरी, गलत मलत, टैक्स चोरी करके कुछ जैसा वैसा कुछ पैसा कमाया है, वो पैसे से भोजन लाया है, अब वो भोजन महात्मा को दिया है, अब महात्मा उसका खाएगा तो उसके किए गए पाप का भागीदार संत भी तो होएगा। तो कह रहे वो भोजन आता है जब सामने, तब भी हम अपने दृष्टि से, किससे? दृष्टि से। 80% ऑफ योर एनर्जी गेट्स आउट फ्रॉम योर आईज। आंखों से 80% शक्ति जाती। अब आंख से त्राटक किया उस भोजन पर, मन में मंत्र किया और फिर संकल्प किया कि यह भोजन शुद्ध होकर मेरे शरीर का हिस्सा बने, और इस अन्न से जो मेरा मन बने वो मन भी शुद्ध हो और प्रभु आपका सुमिरन करने वाला होए। भाई तो बड़ी अद्भुत बात आपने कह दी। देखिए, इससे जुड़ी हुई एक महाभारत की मैं कथा आपको कहती हूँ। भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने तीर की शैया पर लेटा दिया और सब लोग गए प्रणाम करने उन्हें कि अब तो ये जाएंगे, पर उनने कहा नहीं, मैं तो सही समय आने पर जाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी को कि चल तू भी जा प्रणाम कर ले। तो वो कहती मैं नहीं जाती, ये वही था जब मेरी इज्जत पे हाथ डाला गया और इसने कुछ नहीं किया, इन्हें आंख नीची कर ली थी, मैं इसका कोई सम्मान नहीं करती। कृष्ण ने
डांटा, बोले नहीं ये तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, इसके प्रति ऐसी दोष दृष्टि रखना अच्छी बात नहीं, तुम चलो जाके प्रणाम करो। और वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, उनसे नाराजगी रखना अच्छी बात नहीं, तपस्वियों से आशीर्वाद लेते। जब वो वहां गई तो चुपचाप कुछ देर तो खड़ी रही, फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने कह ही दिया, कहती मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है, उत्तर दो। क्या है प्रश्न? बोले प्रश्न ये है कि जब मेरे साथ इतना अनाचार हो रहा था तब आपने उस समय पर कुछ बोला क्यों नहीं? आप कैसे कैसे पितामह, कैसे तपस्वी थे आप? भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े और क्षमा मांगी और कहा, मेरे उस अपराध के लिए तुम जो दंड दो मैं ले लूंगा, पर मेरी एक बात सुन लो। बात यह है, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। जब आप पापियों का अन्न खाते हो तो आपका मन शुद्ध नहीं रह सकता। उसके द्वारा खाया हुआ भोजन खा के मेरा भी मन कलुषित हो गया। कर्तव्य के नाम पे मैं इतने बड़े अनाचार को देख के भी चुप रहा हूं। आज अर्जुन के तीर लगे हैं, शरीर से रक्त बाहर चला गया, वो कलुषित वो गंदा रक्त गया, मेरी बुद्धि अब शुद्ध है, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं और तू जो दंड मुझे दे वो दंड लेने को तैयार। महाभारत की ये कथा कहती है ऐसे ही किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, नियम। कई महात्मा नहीं खाते, हर एक के घर का नहीं खाते, वो भिक्षा में भी सीधा लेते हैं, सीधा माने कच्चा अन्न डाल लेंगे, खुद पकाएंगे, खुद खा लेंगे, किसी से नहीं लेते। पर जब ले ही लेते हैं तो क्या करते हैं? तो वो ये करते हैं कि वह अपनी तपस्या से उस आए हुए अन्न का भी शुद्धिकरण करते फिर ग्रहण करते। नियम यह है प्रकृति का, अगर आप किसी से कुछ लोगे तो आपको वापसी कुछ देना पड़ेगा। महात्मा जब आपसे अन्न लेता है तो वो भी तुम्हें कुछ देता है। तुम्हारी रोटियां तो दिख जाती हैं पर वो जो देता है वो तो आंख से दिखता भी नहीं।